में चोरों ने एक दुकान को अपना निशाना बनाया, जिससे दुकान में रखी 90,000 रुपए की नकदी चुरा ली। धर्मनगरी वृंदावन में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही एक मामला कोतवाली क्षेत्र के तांगा स्टैंड इलाके में सामने आया है, जहां अज्ञात चोरों ने वीकेंड लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए इत्र की दुकान के ताले चटका कर हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इसमें चौंकाने वाली बात ये रही कि चोरों ने ताले तोड़ने की बजाय मास्टर चाबी से खोले और घटना को अंजाम देकर बकायदा ताले बंद कर आसानी से निकल गए। जिसका पता दुकान स्वामी को जब हुआ, तब वह सोमवार को दुकान खोलने के लिए आया। पीड़ित दुकान मालिक प्रभात पांडे ने बताया कि शुक्रवार को दुकान बंद कर घर चले गए थे। सोमवार को दुकान पर पहुंचे और शटर के ताले खोले तो गल्ले का ताला टूटा हुआ और उसमें रखे 90,000 रुपए गायब थे, जबकि दुकान में अन्य सारा सामान जहाँ का तहाँ रखा था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। जी, क्या नाम है आपका? प्रभात पांडे। पांडे जी, आपकी कहाँ पर दुकान है? तांगा स्टैंड पत्थर। क्या नाम से दुकान है? संदल हाउस। आपका चोरी हुई है, कैसे हुई थी? आज दो दिन के लॉकडाउन के बाद आज पिताजी आए सुबह दुकान खोलने, फिर उन्होंने देखा कि एक ताला आराम से नहीं खुल रहा था, थोड़ा दिक्कत दे रहा था। फिर उन्होंने जब वो ताला खोला तो अंदर देखा कि सारा सामान फैला हुआ था और ये गोलक टूटी हुई थी। इसमें चेक किया तो इसमें सारा कैश गायब था और सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ था। करीब कितना कैश था? 90,000 रुपये करीब कैश था, और केवल कैश ही लिया और कोई सामान नहीं। क्या तोड़ा है कि चाबी से खोला है? कैसे? ये ताला चाबी से खोला है, कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं था, केवल ये गोलक का ताला टूटा हुआ। और ताला लगा के चले गए फिर? वापस जब बंद किया है उन्होंने तो बाकायदा पूरा लॉक किया है, फिर वो गए। आपको पुलिस ने सूचना दी? आपको? हाँ, पुलिस आई थी, पुलिस को हमने तहरीर दे दी, उन्होंने रिपोर्ट लिखने का फोन किया आगे कार्रवाई करने के लिए।